2 दिन में बाइक चला दी 1,002 किलोमीटर। ये भाई साहब कोसी रिवर है, ब्रिज देखो यार क्या खतरनाक ब्रिज बनाया है। मतलब नक्सलबाड़ी में पेट्रोल पंप है, आज कैंप आड़े करें। ये देखो मैं भूटान 837 किलोमीटर है, गुवाहाटी 195। ये मीठा है इस चीज का, क्या बोलते हैं आंटी इसको? नाम गोजा है, गोजा। सुबह के बज गए हैं 7, आज यात्रा का 3रा दिन और जहाँ सोए थे कुछ इस तरह का नज़ारा। ये लैपटॉप रखा काम करने के लिए, बाइक रात को अंदर कर देती क्योंकि बाहर ओस पड़ा है। ये स्लीपिंग बैग, यहाँ सोया था। मोटरसाइकिल पर सामान बांध लिया, रेडी है, बस चालन की तैयारी है। आड़े तो सिलीगुड़ी है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। आज का स्टे सिलीगुड़ी, 2 दिन में बाइक चला दी 1,002 किलोमीटर और आज भी चला देंगे 500-600 किलोमीटर लेके प्रभु का नाम। चलो भाई, सूरज देवता आगे हैं, मौसम साफ है, हल्की हल्की धुंध है। यहाँ बच्चा है पीने के लिए रुके हैं, देखते किसी चाय मिलेगी, 2 चाय। मुजफ्फरपुर कितना रह गया है यहाँ से? मुजफ्फरपुर यार में एंट्री जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि लिट्टी चोखा ना खा जाए, तो लिट्टी आ चुकी है। ब्रेकफास्ट भी रुके हुए हैं, फिर चलते हैं आगे। मुजफ्फरपुर बस आ ही गया, मुजफ्फरपुर बाईपास से क्रॉस करेंगे दरभंगा होते हुए सीधा सिलीगुड़ी। ये भाई साहब कोसी रिवर है, ब्रिज देखो यार क्या खतरनाक ब्रिज बनाया है। मतलब नंबर आ गया है मेरा चलाने का और 3:40 हो गए हैं। आर्डर रुके थे थोड़ा, आधा घंटा चाय पी। अरे रिया में पहुंच गए हैं आड़े तो भाई, वो 0 मील होते ओड़ तो यो है शॉर्टकट रास्ता, लगभग 70-80 किलोमीटर तो भी ज़्यादा बताया था एक लोकल ने कि पूर्णिया होते हुए हाईवे तो मत जाइयो, छोटे रास्ते तो जाइयो। तो ठीक है भाई, उसकी भी मान ली और हमने भी देख लिया बूझ लिया। तो देखो बात ऐसी है कि आज है 3रा दिन, 2 दिन तक हम ढाबे में रुके थे और जैसे अभी हम बंगाल में एंटर कर गए हैं और आसाम, मेरे को लगता है मतलब यहाँ पे उतने ढाबे वगैरह नहीं होते, कल्चर नहीं ढाबे का कि वो क्या बोलते सत्य, ढाबे हैं लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है ना, 4 पाई वाले ढाबे नहीं है कि भाई अपना जैसे 2 दिन पहले सोए थे नुए सो जाते थे। आज ये नक्सलबाड़ी में पेट्रोल पंप है, आज कैंप आड़े करेंगे। तो ये ट्रिप होगी सुपर बजट वाली है ना भाई? हाँ सुपर बजट वाली, कि अब 3रा दिन का स्टे है, बजट की नहीं है, लोकल तक कनेक्ट होने का भी मौका मिला है और एक एडवेंचर भी हो जाए। अब जब हम मैं तो तेल डलवा के चलना पड़ा था, फिर यो भाई मिला तो फिर इस तरह पूछी, क्या नाम आपका? मेरा नाम परिमल सिंह। परिमल सिंह सिंह, यह परिमल सिंह। फिर इस तरह पूछी तो उन्होंने बोला भाई लगा लो आड़ा कैंप लगा लो, तब अपना आड़ा कैंप करेंगे। ले भाई सुबह होगी है और अब हम पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी। ईब दिखाऊं भाई रात ने कित सोए थे, क्योंकि रात ने दिखा नहीं पाया, रात ने हो रहा था अंधेरा। सामान लाद लिया सारा और ये भाई सिंगा, ईब भाई ने चाय पिलाई और रात ने इन्होंने बताया कि आड़े टेंट लगा लो, उड़े सोए थे टेंट लगाया था। ईब तक का सब तक कम्फर्टेबल स्टे, क्योंकि टेंट में ठंड बिल्कुल नहीं लगी, ऊपर से वो भी है ना, ऊपर वो शेड भी है ना इस वजह से। और सामान सारा रेडी करे हैं, बस ब्रेकफास्ट करके निकला है अगला स्टॉप आज का गुवाहाटी। पेट्रोल पंप पर है, भूख उठते हैं, आड़ा खावा अपना खाना, चावल है और इनकी लोकल सब्जी दाल है और परमल आलू है, आपका खाया करें। मैं भी कोशिश करूँ आज तक खाने की, खाना बहुत टेस्टी था। देख थाली 31 था, बल्कि 2 रोटी मैंने एक्स्ट्रा मंगाई। ये बाड़ा पीऊँगा लाल चाह पिए पीछे, बस चलेंगे। टाइम हो गया है लगभग 9 बजने में 10 मिनट,
फिर आज बीच में कोई भी चाक ब्रेक नहीं, बस सीधा चलना है। टीम रोकेंगे 3-4 बजे के आसपास, आज पहुंचना गुवाहाटी। सिलीगुड़ी नक्सलवाड़ी के पास पश्चिम बंगाल तवाई राइड चालू कर दी है। आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम करने आगे थे और मतलब ब्रंच कर लिया, लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा कर लिया, इवनिंग रोकेंगे। 9:37 हो गए, कह देता तो 7 बजे निकल जाना चाहिए था। आज फिर कुछ बैठ कर काम कर लेंगे एक ढाबे पे, काम भी ज़रूरी है इस वजह से लेट हो गए। यो देखो यो ऑयल टैंकर देखो, यो है नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो सिलीगुड़ी आया है तेल लेने। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाऊँ भाई। 11 घंटे बता हुआ गूगल मैप, 688 किलोमीटर के गुवाहाटी के डोगरा एयरपोर्ट 4 किलोमीटर, तो वहाँ जाना है सीधा। फाटक बंद हो जाए, कितना जाम लाग जाए एक कदम, और ये मेन रोड है सिलीगुड़ी तो उड़ जान का गुवाहाटी जान का। इस पता है बहुत पहला रेलवे ब्रिज बना देना चाहिए था, ये फ्लाई ओवर वगैरह कुछ बहुत जाम लग रहा है। कई चीज़ें थी ऐसी ऐसी हैं कि जो 10 साल पहले कर देनी चाहिए थी आज भी नहीं हुई, 20 साल पहले कर देनी चाहिए थी आज भी नहीं हुई। यार ये ब्रिज वगैरह हैं, ये फाटक का सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। पेंटर भी गजब का है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। कौन था ना ट्रक के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहा, लेकिन इसके पीछे तो गजब लिख रहा क्या है। ये देखो भूटान आने 37 किलोमीटर है, गुवाहाटी 195, कोकराझार 25, बंगाई गांव और गुवाहाटी तो सीधा भूटान तई। तो अभी शाम हो चुकी है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे शाम थोड़ी पहले हो जाती है। अभी जैसे कि 5:09 बजे और यहाँ पे अंधेरा हो गया है, और यहाँ से गुवाहाटी अभी 150 किलोमीटर है। यहाँ पर थोड़ा खाने पीने के लिए रुके हैं, हम खाने पीने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, छोटे छोटे पकौड़े दिए हैं बहुत टेस्टी हैं, और इसके अलावा मैं खाने का एक एक नाम पता नहीं क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया। और नॉर्थ ईस्ट मतलब चाय, चाय मतलब लाल चाय, ये लोग दूध वाली चाय नहीं पीते। और मैंने भी ये डिसाइड करा है जितने दिन में नॉर्थ ईस्ट रहूँगा लाल चाय पीऊँगा, तुम ये पकौड़ी खाओ मेरी के और मजे लो। नारियल का बना हुआ है, नारियल का और पता नहीं क्या है, मज़ा आ रहा है, नाम तो मालूम नहीं। पौधा लिया हूँ मैं खाने का, ये देखो मैं जो भी ना क्या बोलते इसको कि मीठा है, इस चीज़ का क्या बोलते हैं आंटी इसको, क्या बोलते क्या नाम, नाम 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 गोजा है, गोजा अंग्रेजी में बोले आ रहा है, स्प्राउट्स आराम बोले आ रहा है, बिजे और चने सब टाइम जी चीज स्ट्रिक्ट। कितने रुपए का देता है इसको? 10 ले भाई फाइनली पहुंच गए हैं, मैप लगा रखा अपने हॉस्टल का, 11 मिनट है, मौसम ठीक है ना गर्मी ना सर्दी। आज रुकेंगे हॉस्टल में, एक दिन करा था कैंप, 2 दिन रहे थे ढाबे पे, और आज रोएंगे हॉस्टल में। गुवाहाटी पहुंचते रौनक होगी।